हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 इन द जू, चिड़ियाघर में। जू का मतलब है चिड़ियाघर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। पिछले रविवार मौसम धुंधला था। पिछले रविवार का मतलब जो रविवार बीत चुका है वो। धुंधला, क्लाउडी का मतलब है बादल होना, यानी कि मौसम कैसा था? बादल बादल थे। अरुण अलॉन्ग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा विजिटेड द जू। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर गया था। यंगर सिस्टर का मतलब है छोटी बहन। अब यहाँ पे अगर यंगर ब्रदर होता तो छोटा भाई। तो अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ पिछले रविवार को कहाँ गया था? चिड़ियाघर। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू दे सॉ अ ह्यूज क्राउड। जैसे ही वे चिड़ियाघर के मेन गेट यानी कि मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने वहां बहुत भीड़ देखी। मेन गेट यहाँ जिससे हम लोग एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं मेन गेट। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स वाइल अदर्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। जैसे ही वो लोग मेन गेट के अंदर गए, उन्होंने क्या देखा? सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स वाइल अदर वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। कुछ लोग अंदर जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे, यानी कि चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए वो लोग टिकट खरीद रहे थे, जबकि कुछ लोग क्या कर रहे थे? रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज, पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। शेड का मतलब होता है छाया। एज दे एंटर्ड द जू, जैसे ही वे चिड़ियाघर में पहुंचे, तो ये सारा बाहर का नजारा था। जब वो लोग बाहर थे तो क्या था? अब अंदर जैसे ही वो लोग पहुंचेंगे, तब नेहा और अरुण में बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होगा। नेहा और अरुण दोनों भाई बहन हैं और दोनों में अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। तो हम एक एक लाइन पे चलते हैं। सबसे पहले नेहा ने कहा, क्या कहा देखते हैं। आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू। डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाई द एनिमल्स ऑफ द जू? तो नेहा अपने भाई अरुण से क्या कह रही है? आई एम स्केयर्ड, मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने में डर लग रहा है। आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू, मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने में डर लग रहा है। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता? वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू, तुम्हें नहीं लगता कि चिड़ियाघर के जानवर हम पर हमला कर सकते हैं? अरुण, अब अरुण ने क्या जवाब दिया? डोंट वरी नेहा, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। तो अरुण ने जवाब दिया, डोंट वरी नेहा, घबराओ मत नेहा। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजड़े में, एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजड़े में और कुछ जानवरों को बाड़े में रखा जाता है, जिसके चारों तरफ चार दीवारी होती है। लुक, देयर आर सो मैनी एनिमल्स हेयर। देखो, यहाँ कितने सारे जानवर हैं। तो ये अरुण ने अपनी बहन नेहा से कहा। अब देखते हैं नेहा क्या कहती है। नेहा, ओ यस, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, वेयर इज द जिराफ? नेहा ने कहा, ओ यस, अरे हाँ, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, वेयर इज द जिराफ? मैं जिराफ को पहले देखना चाहती हूँ, जिराफ कहाँ है? अरुण, सी द जिराफ इज नियर द फेंस, इट हैज ए लॉन्ग नेक। अरुण ने कहा, देखो, द जिराफ इज नियर द फेंस, इट हैज ए लॉन्ग नेक। जिराफ बाड़े के पास है, इसकी गर्दन लंबी है। नेक मीन्स गर्दन। नेहा, ब्रदर लुक एट द मंकीज। नेहा ने कहा, भैया बंदरों को देखो। अरुण, यस, द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। अरुण ने कहा, हाँ, बंदर पेड़ों पर ऊपर नीचे झूल रहे हैं। स्विंगिंग अप एंड डाउन का मतलब है ऊपर और नीचे झूलना। अरुण, सॉरी नेहा, ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर। नेहा ने कहा, हे भगवान बाघ को देखो। अरुण, इट्स ऑन द रॉक। अरुण ने कहा, ये चट्टान पर है, रॉक का मतलब है चट्टान। नेहा, लुक ब्रदर द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, इट हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, वेयर इज द लॉयन?
नेहा ने क्या कहा? लुक ब्रदर, देखो भैया, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, बाघ चट्टान से नीचे आ रहा है। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर धारियां हैं। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, चित्र में बाघ है और इसके देखिए चित्र में धारियां बनी हुई हैं, और ऊपर के चित्र में देखिए बंदर पेड़ पे ऊपर नीचे झूला झूल रहा है। सारी चीज़ें आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं। नेहा ने इसके बाद पूछा, वेयर इज द लॉयन, शेर कहाँ है? अरुण ने क्या जवाब दिया? सी द लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, डेन का मतलब है गुफा। तो अरुण ने क्या कहा? सी देखो, द लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, शेर अपनी गुफा के सामने है। इट लुक्स सो पावरफुल, ये बहुत शक्तिशाली दिखता है। इट इज स्लीपिंग, या सो रहा है। ये देखिए आप लोग पिक्चर में, शेर अपनी गुफा के सामने सो रहा है। नेहा, वाओ लुक एट द पिकॉक। नेहा ने क्या कहा? वाओ मोर को देखो। बच्चों जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और खुश भी होते हैं तो क्या बोलते हैं? वाओ। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो और आपने उसको पहली बार देखा हो तो आप क्या बोलोगे? वाओ। तो नेहा ने क्या कहा? वाओ लुक एट द पिकॉक, वाओ मोर को देखो। अरुण ने क्या जवाब दिया? इट इज डांसिंग इन द गार्डन, यह बगीचे में नाच रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेहा, लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर। नेहा ने क्या कहा? उधर पीली चिड़ियों को देखो, येलो मीन्स पीला, उधर पीली चिड़ियों को देखो। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। अरुण, यस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री? अरुण ने क्या कहा? यस हाँ, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, वो चिड़ियाँ पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। ओवर द ट्रीज का मतलब पेड़ के ऊपर। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, क्या तुम पेड़ के नीचे हिरन का बच्चा देख सकती हो? आप लोग पेड़ के नीचे देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद आते हैं, नेहा ने क्या कहा? ओ यस, ये देखिए पेड़ के नीचे हिरन का बच्चा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नेहा ने कहा, ओ यस एंड लुक देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्राज। नेहा ने क्या कहा? अरे हाँ, और देखो वहाँ जेब्रा का परिवार भी है, फैमिली मीन्स परिवार। ये देखिए आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देखिए, जेब्रा का परिवार, ये आप देख सकते हैं। येलो चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं, यहाँ पर हिरन का बच्चा पेड़ के नीचे है और यहाँ पर जेब्रा की पूरी फैमिली है। अरुण, यस डियर, हाँ प्रिय, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। हाँ प्रिय, बेबी जेब्रा माता जेब्रा और पिता जेब्रा के बीच में खेल रहा है। बेबी जेब्रा जो छोटा सा है, और इधर एक मदर जेब्रा एक फादर जेब्रा, तो दोनों के बीच में बेबी जेब्रा खेल रहा है। दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन दियर बॉडीज, उन सब के शरीर पर काले और सफ़ेद रंग की धारियां हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जेब्रा के बॉडी पे काले और सफ़ेद रंग की धारियां होती हैं। दे सॉ अदर एनिमल्स टू, उन्होंने और भी जानवरों को देखा। एंड इंजॉयड वेरी मच, और मज़े भी किए। व्हेन इट वॉज इवनिंग, जब शाम हुई, दे केम आउट ऑफ द जू एंड बोर्डेड द बस, जब शाम हुई वे चिड़ियाघर के बाहर आ गए और बस पर सवार हो गए। तो ये हो गई आपकी, लेसन ख़त्म हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। इसमें आपने चिड़ियाघर के बारे में देखा, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं वो भी सब कुछ देखा। तो ये लेसन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।